अच्छा नमस्कार, जय आसिम। आप सभी का आज के बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने आज के वीडियो के थंबनेल पर देखा, आज के वीडियो में हम जानेंगे आर्सिम लिनस के धनिया पाउडर यानी आर्सिम लिनस के कोरिएंडर पाउडर की फुल इंफॉर्मेशन यानी कि फुल जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि आपको आर्सिम लिनस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसकी जानकारी पूरी मिल सके और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है जिससे आपको धनिया पाउडर की पूरी जानकारी मिल सके। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको आर्सिम लिनस से रिलेटेड रियल कंटेंट मिलता रहता है और वो भी समय समय पर मिलता रहता है। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। मेरा नाम है पंकज प्रताप और आप देख रहे हो के आरपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए आज की बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में यानी धनिया पाउडर किस तरह बनता है या इसके क्या क्या प्रोसेस है जिससे इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले जो बढ़िया किस्म के धनिया के जो बीज है उनको फैक्ट्री में लाया जाता है, उनको खरीदा जाता है। उसके बाद में जो दूसरा प्रोसेस आता है वो आता है इसके सफाई करने का यानी खरीदने के बाद में इसको मशीनों के द्वारा अच्छी तरीके से सफाई की जाती है। उसके बाद में तीसरा जो प्रोसेस है वो है कटिंग करने का यानी इसके बाद में इस धनिया पाउडर को अच्छी तरीके से कटिंग किया जाता है। इसके बाद में जो चौथा प्रोसेस है वो है पैकेजिंग का। इसकी जो पैकेजिंग है वो मशीनों द्वारा करवाई जाती है जिससे कि स्वच्छता का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है और जो हमारे हाथों में कीटाणु है वो धनिया पाउडर में बिल्कुल भी ना लगे, इसलिए इसको मशीनों के द्वारा पैकिंग किया जाता है। उसके बाद में पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इसको लैब में टेस्ट किया जाता है अच्छी तरीके से, इसको लैब में बढ़िया तरीके से जांच किया जाता है। तो ये पांच प्रोसेस ही आर्सिम लिनस का जो धनिया पाउडर है वो बनता है और जो छठा प्रोसेस है जो कि हम तक आता है। तो ये छह प्रोसेस से बनने से लेकर हमारे आने तक ये छह प्रोसेस काम में लिया जाता है कंपनी के द्वारा या फैक्ट्री के द्वारा। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्सिम लिनस के धनिया पाउडर की विशेषताओं के बारे में, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसकी क्वालिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया जाता है। मेंटेन करने के लिए इसको लैब में अच्छी तरीके से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में दूसरी इसकी विशेषता है इसको अच्छी किस्म के जो धनिया बीजों हैं उनके द्वारा इनको बनाया जाता है। उसके बाद में तीसरा इसका जो विशेषता है वो ये है कि इसको कम तापमान पर तैयार किया जाता है। चौथी इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो आर्टिफिशियल कलर है वो नहीं मिलाया गया है बल्कि इसमें नेचुरल कलर, नेचुरल टेस्ट और नेचुरल सुगंध का प्रयोग हुआ है जो कि प्राकृतिक है, एकदम जो कि नेचुरल है और प्रकृति के द्वारा इसको प्रदान की गई है। उसके बाद में बात करें इसके फायदों के बारे में, तो इसके जो फायदे हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि अगर हम इसको पानी में घोलकर अपनी स्किन पर लगाएंगे तो हमारी जो स्किन पर दाग धब्बे हैं वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि ये हमारे जो ब्लड शुगर है जिनके ब्लड शुगर है उनको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद में हमारे शरीर में जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है उनकी मात्रा ये बढ़ाता है या मेंटेन करता है और जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है उनको ये हटाता है। उसके बाद में जो चौथी विशेषता इसकी है वो ये है कि ये जो हमारे शरीर में जो एंटीबैक्टीरियल है उनको ये खत्म करता है। उसके बाद में इसकी जो पांचवी विशेषता ये है कि हमारे जो संक्रामक रोग है उनको भी ये हटाने में मददगार करता है, हमारे को शक्ति प्रदान करता है जिससे आप कह सकते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हमें बढ़ाए रखता है ये धनिया पाउडर। साथ ही बात करें सर्दी जुखाम जैसे जो वायरल इन्फेक्शन है उनसे भी ये हमें बचाता है। उसके बाद में बात करें सातवीं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो ये है कि पेट की जो समस्याएं हैं जैसे पेट का दर्द होना, अपचन आदि जो विशेषताएं हैं वो धनिया पाउडर की मदद से उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी आर्सिम लिनस के धनिया पाउडर की, आर्सिम लिनस के कोरिएंडर पाउडर की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो करना लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय आसिम।